Hey guys, what's up? कैसे सब? Welcome back to another gameplay video. तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं प्रोजेक्ट IGI वर्जन 1. तो guys, इस वाले एपिसोड में हम लोग मिशन नंबर 4 को करने वाले हैं. तो ये अपना लोकेशन है, यहाँ पे हमें मिशन वगैरह करने होंगे. तो ये रहा गाइज अपनी इंस्ट्रक्टर, इससे मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करवा लिया है. इसका नाम है आनिया और ये हमें अपने सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह देती रहती है ताकि हम अपने मिशन को बहुत इजीली कर सकें. तो गाइज इसके इंस्ट्रक्शन को पहले हम ले लेते हैं. और फिलहाल अभी हमें अपने लोकेशन का पता कुछ है नहीं. और आई थिंक ये है अपना लोकेशन गाइज. जी हाँ, यही है अपना लोकेशन जहाँ पे कि हमें अपने मिशन को खेलना होगा. तो अभी तो हम फिलहाल अपने कैरेक्टर के साथ में आए नहीं है, तो इससे पहले इंस्ट्रक्शन वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्टली मिशन में एंटर हो जाएंगे. तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इंस्टिंग में चैनल को अभी कभी जाकर सब्सक्राइब कर दो. बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच रहे. और गाइज आप बने रहे हमारे साथ में वीडियो में, अगर एंजॉय कीजिए वीडियो को. अपने कैरेक्टर साथ में आ चुके हैं और गाइज हमारे पास में अभी वेपन्स भी है. और इस बार गाइज हमें थोड़े से डिफरेंट वेपन दिए गए हैं. हमारे पास में इस बार एक ग्लॉक पिस्टल नहीं है, हमारे पास में ड्रैगन अप दिया गया है जो कि एक स्नाइपर है. और यहाँ पे गाइज मुझे पहले ही एक बंदा दिख चुका है, इसको हमें जल्दी से किल करना होगा क्योंकि इसके पास भी आई थिंक स्नाइपर वगैरह है कुछ है. इसको मैंने साइलेंटली एकदम किल कर लिया है. यहाँ पे दो बंदे हैं ट्रक के पीछे, एक बंदे को मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, दूसरे वाले बंदे को भी हमें जल्दी से यहाँ पे किल करना होगा. और इसी के साथ में बंदे का काम तमाम कर दिया मैंने. यहाँ पे सामने और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसका नज़र हम पे पड़ा नहीं है, इसको भी मैंने किल कर लिया है. यहाँ पे और भी बंदे हो सकते हैं यहाँ पे घर के अंदर, बट आई थिंक हमें यहाँ पे ज़्यादा घर के अंदर जाना नहीं पड़ेगा. तो ये एक बंदा है, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया है. यहाँ पे इस वाले बंदे को एकदम ख़तरनाक तरीके से हेडशॉट से किल किया है गाइस. यहाँ पे जितने भी बंदों को अभी हमने किल किया है, सारे के वेपन्स को हम ले लेते हैं. वहाँ से सामने से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है गाइस, वो हमारा सपोर्टिव टीम है जो कि हमारा साथ देने वाली इस वाले मैच में. तो गाइस इनके वेपन्स को जल्दी से हम ले लेते हैं. और यहाँ पे इस घर के अंदर जिसको मैंने किल किया था उसके वेपन को भी जल्दी से पिक कर लेते हैं, बाद में चल के वो काम आएगा गाइस. इसीलिए हम सारे वेपन्स को लेते हुए जाएंगे. यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और ये रहा गाइस वो वेपन, इसको मैंने ले लिया है. अभी जल्द से यहाँ से बाहर निकलते हैं और डायरेक्टली चलते हैं अपने दूसरे वाले लोकेशन में, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा काम वगैरह है नहीं गाइस. यहाँ से आगे चलते हैं, अपना हेलीकॉप्टर भी आई थिंक वहाँ पे लैंड करने ही वाला होगा. तब तक के लिए हम अपने ड्रैगन अप को रिलोड कर देते हैं. और सामने जो आप वाटर टैंक देख सकते हो, आई थिंक यहाँ पे बंदा वगैरह है नहीं. नहीं गाइस यहाँ पे बंदा नहीं हो सकता क्योंकि हमें यहाँ पे चढ़ के स्नाइपिंग वगैरह करना होगा. तो जल्दी से इस टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद अपने स्नाइपर को निकाल के सारे बंदे को यहाँ पे ख़त्म करते हैं. तो गाइस यहाँ पे हम वाटर टैंक के ऊपर पहुँच चुके हैं और अपना जो टीम था वो भी यहाँ से हेलीकॉप्टर से उतर चुका है और एकदम ख़तरनाक तरीके से वो अपने काम में लग चुके हैं. ये अपने टीम के बंदे हैं नहीं गाइस, ये अपने टीम के जो हमें ग्रीन दिखा रहा है अपना जो स्कैनर है वो हमारे टीम के बंदे हैं. इस वाले बंदे को भी मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया. और सामने और बंदे हैं गाइस, यहाँ से बाहर आ रहे हैं, इसको पहले ख़त्म कर. CCTV वगैरह तो यहाँ पर नहीं है. एक बंदे को मैंने ख़त्म कर दिया बट दूसरे बंदे को कुछ पता नहीं चला. अभी स्कैनर की मदद से हम एक बार स्कैन कर लेते हैं. वहाँ से सामने आई थिंक एक बंदा है, अपने ड्रैगनों को वापस से हम रिलोड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे और सामने से दो बंदे आ रहे हैं गाइस, इनको भी हमें जल्दी से किल करना होगा. एक गोली मिस हुआ, दूसरे वाले बंदे को पता चल गया था बट उसके मारने से पहले हमने उसे किल कर लिया है. यहाँ पे और बंदे गाइस रूम से बाहर आ रहे हैं, अभी इनको भी हमें किल करना होगा. तीन बंदे यहाँ से भागते हुए आ रहे हैं, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा. यहाँ पे एक गोली मिस हो गया था गाइस, लेकिन तीन बंदे को मैंने यहाँ पे फटाक से ख़त्म कर दिया है. और अपने टीम वाले बंदे भी यहाँ पे जा रहे हैं. यहाँ पे एक ट्रक के पास में एक बंदा खड़ा हुआ था, उसको भी मैंने यहाँ पे किल कर लिया है. यहाँ पे आई थिंक इस वाले घर के अंदर से और बंदे आने वाले हैं. ये एक दो बंदे हैं गाइस, टोटल दो बंदे हैं यहाँ पे और एक बंदा रूम से बाहर आ रहा है. भाई साहब कितने सारे बंदे हैं, आई थिंक हमारा स्नाइपर का एमो शॉर्टेज ना हो जाए. ये तो अपने ही बंदे हैं ना. हाँ गाइस ये अपने ही बंदे हैं. तो हमारा बेसिकली काम यहाँ पे ये है कि हमें उन अपने जो एलाइड पावर के बंदे हैं उन सबको अपने कवर देना होगा ताकि उनको कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना हो अंदर जाने में. वो यहाँ से किसी को एस्केप कराने वाले. एक गोली गाइस मुझे लग गया इनका, बट इनको भी मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया है. और फिलहाल अभी बंदे तो मुझे नज़र नहीं आ रहे बाहर. अब जो भी बंदे यहाँ से एक बंदा बाहर आ रहा है, इसको भी जल्दी से किल कर लेते हैं. बंदे का काम तमाम. बालकनी से भी बंदे आ सकते हैं बट अभी फ़िलहाल तो आया नहीं है कोई. यहाँ पे नज़र रखते हैं. ये रहा गाइस एक बंदा, लेकिन उसको तो अपने बंदों ने ही ख़त्म कर दिया है. और
तो गाइज आई थिंक जिस बंदे को एस्केप करना था उस बंदे को हमने एस्केप कर लिया है, और अभी भी फिलहाल यहाँ से बंदे वगैरह निकलते आ रहे हैं। यहाँ पे बालकनी में एक बंदा, दूसरा बंदा भी आ चुका है, और एक बंदा यहाँ से भागता हुआ जा रहा है, इसको भी हम जल्द से किल करना होगा। दो गोली मिस हुआ गाइज। यहाँ पे इसके पास में मशीन गन आ चुका है, लेकिन गाइज इसको भी मैंने यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से किल कर लिया। अपने जो बंदे हैं वो यहाँ से भागते हुए आई थिंक वापस से अपने हेलीकॉप्टर के पास में जा रहे हैं, और अभी फिलहाल एस्केप करने का टाइम आ चुका है। हम अपने ड्रैगनों को रिलोड कर लेते हैं क्योंकि बाद में चल के ये भी यूज़ होने वाला है। तो गाइज़ ये रहे, और इन्हीं में से कोई एक बंदा है जिसको कि मैंने नहीं अपने टीम ने एस्केप कराया। तो गाइज़ इसी के साथ में हमने इस वाले मिशन को बहुत बढ़िया तरीके से पास कर लिया। और गाइज़ अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी कभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। और गाइज़ हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।